देखिए अभी लगातार निरंतर और एक लहर उठी है नवादा में। सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं और शहर ही नहीं, गांव गांव, टोले टोले, मोहल्ले मोहल्ले भाई तेजस्वी यादव जी पर विश्वास करके हर लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ रहे हैं, वो चाहे किसी बिरादरी का लोग हो, ताकि 2024 में हम लोग भाई तेजस्वी यादव को हाथ को मजबूत कर सकें और 2025 में भाई तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सकें। इसी के मुहिम में सारे लोग आप देख रहे हैं एक तीव्र गति से और एक जुनून से लोग राष्ट्रीय जनता दल में जुड़ रहे हैं। आज कौन सा कार्यक्रम था? आज यहाँ पर हम लोगों का चुनाव था, छात्र का चुनाव था, क्योंकि पूरे जिला में एक संगठन बने हैं और उस संगठन को विस्तार किया जा रहा है और राष्ट्रीय जनता दल का पदाधिकारी बनाया जा रहा है। चलिए, जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप कहते हैं ये से विस्तार और पानी क्या कहेंगे? आज हमारे छात्र संघ का कमेटी विस्तार था। हम निरंतर एक सप्ताह से प्रत्येक दिन 200-400 की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और खासकर नौजवान छात्र जुड़ रहे हैं और हमारे तेजस्वी जी का हाथ नवादा जिला में सबसे मजबूत हो रहा है और हम लोग, हमारे आदरणीय नेता श्रवण कुशवाहा जी, गौतम चंद्रवंशी जी, हमारे जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी, सभी लोगों ने मिलकर हम कमेटी मजबूत में लगे हुए हैं, विस्तार कर रहे हैं और आज खासकर रजौली के लोग आए हुए थे हमारे छात्र संघ नेता विकास कुमार जी के अध्यक्षता में। रजौली में कमेटी का विस्तार किया गया है और ये विस्तार बहुत मजबूती ढंग से वहाँ जाति समीकरण को देखते हुए किया गया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हम लोग विस्तार कर रहे हैं आगामी 2024 में हम लोग पूर्ण रूप में सफलता पाएंगे। यह प्रोग्राम माननीय श्रवण कुशवाहा की देख रेख में जो जिला अध्यक्ष उदय कुमार यादव जी ने संगठन का जो व्यापक स्वरूप दिया है उसी व्यापक स्वरूप को और विस्तार और प्रसार देने के लिए आज छात्र प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया है, उसी के आलोक में यह बैठक है। महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष रेणु सिंह जी क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? आज यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं छात्र राजद संगठन मजबूती को लेकर कमेटी विस्तार करने के लिए, तो वो चाहे जिस रूप में हो, या महिला संगठन के रूप में हो, युवा संगठन के रूप में हो, या छात्र संगठन के रूप में हो, लगातार नवादा राजद मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है, निरंतर सबका सहयोग मिल रहा है संगठन।